केयर एडवांटेज प्लान वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है फ्रॉम केयर हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज ये हाई सम इंश्योर्ड और लो प्रीमियम को सोच के बनाया गया है। ऐसे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, सो दैट कि जिनको ऐसा लगता है ना कि यार थोड़े से पैसे दो और आप बहुत ज़्यादा कवरेज मिल जाए, तो वो ये प्लान को ले सकते हैं। लेकिन हाई सम इंश्योर्ड देने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इस इंश्योरेंस में छूट गई है, एंड अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो देन डेफिनेटली आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस इन डिटेल में सारा ही चिट्ठा इनका खोल के रख दिया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आएगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मिनिमम एंट्री एज इज फॉर इंडिविजुअल पर्सन इज 5 ईयर्स ऑफ एज, एंड फॉर फ्लोटर बेसिस अगर आप अपने चाइल्ड को ऐड कराना चाहते हो तो 91 डेज इज द मिनिमम एज। अगर मैक्सिमम एज एंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप लाइफ लॉन्ग कभी भी इस पॉलिसी को ले सकते हो। अगर आपकी एज 60+364 डेज भी है तो भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आपका बर्थडे आ जाता है 61st वाला, आपको को पेमेंट लगेगा वो भी 20% का। एज ऑफ द प्रपोजल हैज़ टू बी 18 ईयर्स एंड अबव। अगर पॉलिसी टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 ईयर्स का पॉलिसी देखने मिल जाता है। अगर 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स का आप ले रहे हो तो आपको 10 से लेके 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, वो भी एक्स्ट्रा। ये प्लान आप इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस दोनों पे ही ले सकते हो। अगर फ्लोटर बेसिस की बात की जाए तो ये सारे कॉम्बिनेशंस इस पॉलिसी में अलाउड है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको ये वेटिंग पीरियड देखने मिल जाता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको 30 डेज का देखने मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज पॉलिसी लेते हो तो आपको नेक्स्ट 30 डेज कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा किसी भी डिजीज के लिए, यहाँ तक कि डेंगू और मलेरिया के लिए भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन इन 30 डेज में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, लाइक अगर आप गाड़ी से आप टकरा गए या फिर आप गिर गए फिसल गए, ऐसा कुछ हो जाता है एक्सीडेंट, तो आपको इन 30 डेज में भी क्लेम मिलेगा। नेम्ड एलिमेंट्स के लिए वेटिंग पीरियड आपको 2 ईयर्स का देखने मिल जाता है। ये जो सारे आपको नेम्ड एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, इनको अगर क्लेम करना है तो आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आपने 2 साल के पहले क्लेम कर दिया इन सभी डिजीज़ के लिए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपको हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ या फिर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो आपको 4 साल के बाद ही उससे रिलेटेड क्लेम मिलेगा। अगर आपने पहले क्लेम कर दिया और उस डिजीज़ का लिंक अगर आपके प्री एग्जिस्टिंग से कुछ भी मिलता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, भले ही आपकी बीमारी कुछ और हो फिर भी। तो ये रहा पॉलिसी का कुछ बेसिक बेनिफिट्स। अगर सम इंश्योर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 25 लाख, 50 लाख और 1 CR तक का सम इंश्योर्ड देखने मिल जाता है। आपको छोटे मोटे सम इंश्योर्ड यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये पॉलिसी हाई सम इंश्योर्ड के लिए बनाई गई है विद मिनिमम प्रीमियम। अगर रूम रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी सब लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप डिलक्स और सुपर डिलक्स भी आपके पॉलिसी में कवर्ड है। ICU की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी लिमिट देखने नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि जितना ICU का खर्चा आएगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसे दे देगी। नेक्स्ट इज इन पेशेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। ये आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक देखने मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डे केयर ट्रीटमेंट है ना, वो आपको मैक्सिमम 541 प्रोसीजर्स ही सिर्फ देखने मिल जाते हैं। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी यहाँ पे ऑल डे केयर ट्रीटमेंट वो ऐड कर सकते थे, इतना बड़ा कवर दे ही रहे हैं तो ये भी दे सकते थे, बट इन्होंने नहीं दिया। इसी रीज़न की वजह से केयर एडवांटेज प्लान को हम फ्यूचरिस्टिक प्लान कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको सिर्फ 541 डे केयर ट्रीटमेंट देखने मिल जाते हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको ऑल डे केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर मान लो आपने इतना बड़ा सम इंश्योर्ड लिया है 1 करोड़ वाला, और आज से 10-15 साल बाद सिंस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, मेडिकल एडवांसमेंट उतना बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रोसीजर्स जिसको आज 1-2 दिन लगता है सारी चीज़ों को इलाज करने में, आपको वो डे केयर ट्रीटमेंट में कंसिडर किया जाएगा। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आपके वो जो भी प्रोसीजर्स होंगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिंस आप उस चीज़ के लिए एडमिट नहीं होगे और आपका वो डे केयर ट्रीटमेंट में आएगा, वो इसमें कवर ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेंशन किए 541। सो मेरे ख्याल से इस पॉलिसी का लिमिटेशन है इतना बड़ा सम इंश्योर्ड होने के बावजूद। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 30 डेज प्री एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको देखने मिल जाता है। इसको कम से कम मिनिमम 60 डेज तो कवरेज देना ही चाहिए था, बिकॉज अगर आपको इतना बड़ा कवरेज कंपनी दे रही है तो आपको एक प्री का बहुत बड़ा पीरियड देना चाहिए था, मिनिमम इट हैज़ टू बी 60 डेज, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30 डेज का दिया। सो इसे यही पता चलता है कि कंपनी ने आपको बड़ा कवरेज तो दे दिया, लेकिन कंपनी चाहती नहीं है कि आप वो बड़ा कवरेज यूज़ करो। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो यू कैन गो विद दैट। ऑटोमेटिक रिचार्ज यहाँ पे आपको वंस इन अ पॉलिसी ईयर देखने मिल जाता है, लेकिन कैच ये है कि जब आप इसका टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फीचर है ना, वो कभी आपको काम ही नहीं आएगा, बिकॉज इस चीज़ को एक्टिवेट होने के लिए आपका बेसिक सम इंश्योर्ड नो क्लेम बोनस सुपर अगर आपने लिया है तो
वो सारी चीज़ें खत्म होने के बाद, वो भी कंप्लीटली, तब जाके ये एक्टिवेट होगा भाई। उतना तो पहुंचने से रहा, उसके पहले ही आपका नेक्स्ट रिन्यूअल आ जाएगा, तो ये फीचर हार्डली कोई यूज कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसको पेपर कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज पेपर पे तो आपको कुछ और दिखता है, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने जाते हो ना तो कुछ और ही निकलता है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इंश्योरेंस लेने के लिए, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे अपने इंश्योरेंस के लिए एडवाइस ले सकते हो। एम्बुलेंस कवरेज अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ये भी सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि सिर्फ हार्वेस्टिंग तक आपको कंपनी पैसे देगी, डोनर का प्री एंड पोस्ट पैसे नहीं देगी। मान लो डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो वो भी पैसे आपको नहीं मिलने हैं। ज़्यादातर केसेस में मॉम या फिर डैडी आपको डोनेट करते हैं किडनी, तो मान लो आपके मॉम को या फिर डैड को कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर मॉम एंड डैड के पास कोई भी इंश्योरेंस है ना, तो वो इंश्योरेंस उसमें तो वैलिड ही नहीं होता। जब भी डोनेशन की बात आती है ना, जो डोनेशन ले रहा है, दैट मीन जो रेसिपेंट है, उसी का इंश्योरेंस डोनर के लिए भी काम आता है। लेकिन इस वाले प्लान में जो डोनर है उसका प्री एंड पोस्ट तो कवर ही नहीं होगा, और कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो भाई साहब आपको जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। नो क्लेम बोनस यहाँ पे आपको 10% मिल जाता है एवरी ईयर, अगर आप क्लेम नहीं करते हो मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ दी सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पॉलिसी 1 CR की है, 1 करोड़ की है, तो अगर आपने 5 ईयर्स तक क्लेम नहीं किया तो ऑन 5th रिन्यूअल आपका जो सम इंश्योर्ड है वो आपका 1 करोड़ बेसिक प्लस 50 लाख रुपीज़ आपका नो क्लेम बोनस हो जाएगा। एवरी ईयर आपको 10 10 लाख रुपीज़ एज अ नो क्लेम बोनस मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शनल बेनिफिट से रिलेटेड। ये जो ऑप्शनल बेनिफिट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इस पॉलिसी में भी बहुत सारे एडवांस दिए गए हैं, बिकॉज अगर बेसिक पॉलिसी की बात की जाए ना, वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी नहीं दी गई है, जैसे कि आपका एनुअल हेल्थ चेकअप हो गया, इस चीज़ के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है वो कम है, आपके फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पाएगा, तो आप नो क्लेम बोनस सुपर ये ऑप्शनल बेनिफिट में ले सकते हो। इस चीज़ में आपका जो नो क्लेम बोनस सुपर है ना, वो हर साल बढ़ेगा 50% अप टू 100%। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, अगर आपने 2 साल तक क्लेम नहीं किया तो आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी 2 करोड़ की हो जाएगी। 50 50 लैक्स आपको पर ईयर के बेसिस पे मिलेगा। मान लो अगर उसके बाद अगर आप क्लेम कर देते हो तो उसी रेट से वो कम भी होगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। दैट मीन्स अगर आपने 5 ईयर्स तक क्लेम नहीं किया तो आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी 2.5 करोड़ की हो जाएगी। एयर एम्बुलेंस भी आपको एज ए एडिशनल बेनिफिट देखने मिल जाता है, बट अप टू 5 लाख रुपीज़। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको ऑलरेडी है, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ या फिर कोई भी हो, इसमें आपको 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड देखने मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये एड ऑन लेते हो, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देते हो, तो आपको 4 साल का जो वेटिंग पीरियड लग रहा था वो 4 ईयर्स से कम होकर 2 ईयर्स पे आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपकी पॉलिसी जैसे ही 2 ईयर्स पुरानी हो जाएगी वो सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आपको को पेमेंट वेवर भी देखने मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पॉलिसी को 61 के बियॉन्ड लिया है तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आपको 20% का को पेमेंट लगेगा, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आपको को पेमेंट लगे तो आप इस वाले बेनिफिट को ले सकते हो। और अगर आप 61 के बियॉन्ड भी हो फिर भी आपको 20% का को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। रूम रेंट मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था कि बेस पॉलिसी में आपको नो कैपिंग के साथ मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपका प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी चूज कर सकते हो, तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा और आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक का रूम रेंट मिलेगा। केयर एडवांटेज प्लान, अगर आप पॉलिसी बाजार से ले रहे हो तो वो पॉलिसी में ऑलरेडी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलेगा। अगर आपको नो सब लिमिट्स के साथ चाहिए तो आपको उसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन लेना पड़ता है, जो कि आपको पॉलिसी बाजार पे दिख जाएगा। तो कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो किसी भी वेबसाइट से, तो आपको सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको देख लेना चाहिए। हर पॉलिसी में बेनिफिट्स तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सक्लूशंस भी होते हैं, जैसे कि इस वाले पॉलिसी में भी है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, तो ये सारे एक्सक्लूशंस के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ छोटे मोटे चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर ऐसे कुछ कंडीशंस आ गए, जैसे कि वॉर लाइक कंडीशंस, या फिर कोई एनिमी अटैक हो गया, या फिर सिविल वॉर हो गया, या फिर लाइक हमारे मुंबई में ताज
होटल में जो अटैक हुआ था ना, उस तरह का कुछ अटैक हो गया, तो उस सिचुएशन में अगर कोई लाइक इंजर हो जाता है तो वो सारी चीज़ें भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करती हैं। इसके अंदर एडवांस ट्रीटमेंट भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है ना, बस इतना ही। मान लो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई भी नया मॉडर्न ट्रीटमेंट आता है, इसके अलावा तो वो सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होगी। बिकॉज अगर टर्म्स एंड कंडीशन के एकदम आप नीचे जाओगे ना एक्सक्लूजन्स में, तो वहाँ पे कहीं छोटा सा 37 पॉइंट में ये चीज़ मेंशन की गई है कि इसके अलावा कोई भी मेथड्स आता है तो वो आपके पॉलिसी में कवर नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग यही सोच समझ कर लेते हैं ना कि ये जो प्लान ले रहे हैं 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्लान होगा, एक बार ले लेंगे तो उनको ज़िंदगी भर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आप कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को समझने के लिए, या फिर सजेशन चाहिए मेरा पर्सनली, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा इन द लिंक, और मेरी हेल्प आप लाइक कभी भी ले सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी, रिव्यू पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।